हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एंड लर्निंग के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है। कैलेट का एरिया चल रहा है वॉक थ्रू इन डिटेल और हमने वो रूट सेलेक्ट किया है जो हमें सीधा रडान के पास लेके जाएगा। रास्ते में जो भी टनल्स, केव, सब कुछ हम सफा चट करते हुए चलेंगे, सारे कुत्ते बिल्ले मार देने आपा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि जनाब, लास्ट चैप्टर में तो हमने माइनर एट्री मारा था और कैटाकॉम का सफाया किया था। आज हम कौन से वाला एरिया टारगेट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माय न्यू वीडियोस थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। लास्ट हमने ये माइनर एट्री के कैटाकॉम फ्री किए थे और ये वाला सारा एरिया जो है, ये तीन चार साइट ऑफ ग्रेस के इर्द गिर्द का, ये सारा फड़काया था हमने। आज हम बेसिकली ये जो नीचे दो रूम्स हैं ना, उनको टारगेट करेंगे। एक बड़ी डडी किस्म की शील्ड आज आपको दिखाऊंगा। हाय हाय हाय, चस आ गया था, ठीक है। और प्लस जो है वो हम थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड ऑब्वियसली होंगे, छोटी मोटी लूट इकट्ठी करेंगे। और मेन फोकस आज हमारा जितने इस एरिया के कुत्ते बिल्ले हैं ना, उनको मार के दिखाना है आपको कि हमारा जो टारगेट, जो वॉक थ्रू है और जो हमारा एक ओवर पावर बिल्ड की टारगेट था, वो कितनी हद तक पूरा हुआ है, ठीक है। तो इधर आते साथ ही आपके राइट साइड पर ये दरख्त है, यहाँ से आपने ये मटका लाजमी पकड़ लेना, ठीक है। और बड़ा ही प्यारा किस्म का यहाँ से व्यू है। ओहो, चेक करें ये उस दिन मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा रहा था कि ओ चेक करो, सामने जार खड़ा है, इसके हमने तीन इन्वर्टर मारे थे। और प्लस ये एक सेकंड जरा है, इसके हमने तीन इन्वर्टर मार के टैलिस्मैन बड़ा अच्छा इक्विपमेंट लोड वाला, इक्विप लोड काम करने वाला मिला था। और बड़े डाडे एनिमीज थे वो तीनों के तीन ही। और फिर हमने उसी बेस के ऊपर एक बिल्ड भी रेडी की थी। तो अब चलते हैं मास्टर शेक टाइप का, वो जो वुड बना हुआ कवर, वहाँ से क्या नाम है इसका यार, शेक कौन सी पता नहीं, कैरेट शेक है क्या नाम है इस एरिए का, ये ऐथे करके ला लो पहले। तो प्यारी प्यारी सी हमने लूटें उठा के चलो थोड़ी जी एंड्योरेंस बढ़ा ली जाए कि रहने दें। चलो जी, आज अब मास्क लगाना ही है, मैंने सोचा फिर हम ये लगाते हैं। इस वाले मास्क को लगा के आपको पता ही है आपकी जो डेक्सटेरिटी है वो 3.5 है। ये जितना भी हजूम है ना, इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं, कोई आपको कोई ख़ास रिवार्ड जो है वो नहीं मिलना। टारगेट हमारा आज के यहाँ के कुत्ते भी ले हैं, इसका मैं आपको बताता चलूँ। ऐश वॉर ला ली अपन ताकि हमारा जो डैमेज है वो बढ़ जाए, ठीक है। और सूट की फुट स्टेप्स आते नहीं है, ब्लैक नाइफ फुट सूट है आपके भाई के पास, तो इसको चेक करते हैं। चलो बस एनी सारी गाल से, एनी सारी डैमेज चेक करें ऊपर कितना कम डैमेज हुआ हमें, इतनी सी पावर गई है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ दिखने में ही पैड़े हैं, आदमी ये बहुत ही शरीफ हैं, ये बात जेन में रखिएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक अदद बड़ी सारी ग्रेट स्वॉर्ड, बहुत सारी बिल्ड में आपने देखी होगी। ए डब्बा तुसी खोल लेना, तो ताडे भरा ना तो हो गया धोखा, डब्बा खोलिया विचों कुछ भी नहीं लगा। चलो कोई गल नहीं, आपने आपको होपफुली मिल जाएगा। आई थिंक सो गेम का कोई ग्लिच है जो कि नहीं नज़र आया। ये ज़रा बड़े वाला कुकड़ कहाँ है, तो इसलिए मैंने चाहा कि यहाँ पे रख के ना बाप सारे पूरे करने, इस तो पहले कि असी शोकी शोकी च मारे जाइए, तो इनू पिछे जाके बदतमीजी है यार, इन्ने बफ लाए ने मैं तो, मतलब थोड़ी सी फाइट तो होती ला, वो तो एक ही फिट बजी पार हो गया। चलो कोई नहीं, लो जी यार रून आर्क के हिफाजत के लिए रखा हुआ था। अच्छा, वो दो अदद और कुत्ते बिल्ले भी हैं। चलो कोई गल नहीं, वफ लग गया तो फिर घोड़े पर पालिए काठियाँ, तो दोबारा इसको भी पकड़ ही ले आओ, ठीक है। इन्होंने भी छिल प्रोग्राम कर ही लीए, ऐ फट बेटे। चलो मैं फजूल का टोपी ड्रामा लाया तुम्हें,
ये सिर्फ कैलड के एरिए वालों ने टैके ही बनाया है, अंदर तो इनके कुछ है नहीं। चेक करो ना जरा, सिर्फ हॉरर ही दिखता है। ओए आपस ही कितनी जा रही। चलो पाटो शाबाश, ठीक हो गया। जो एक स्विंग है वो आपको पड़ी है 1707 में। साथ साथ मैं आप लोगों की साइट ऑफ ग्रेस जो है वो भी एक्टिवेट करवाता जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों की साइट ऑफ ग्रेस जो है वो एक्टिवेट नहीं है इस एरिया में, आपका मैप नहीं उस कदर खुला हुआ। यार ऐ की बदतमीजी हुई है, ऐ की हाथ पे है साढ़े ना। डब्बा भी खुला है, या तो डब्बा पहले से खुला होता तो जी पता लगता कि ये वेपन हम ले गए हुए हैं, लेकिन डब्बा भी खुला हुआ है तो फिर भी इसके अंदर से स्वॉर्ड निकली क्यों नहीं। वैसे क्राउच करके जाने का मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन चले मैं एहतियातन जो हिसाब से टूई खेल के रख देती आप। हाँ चलो जी, आज किसी भी मेन बॉस से आई थिंक सो हमारी फाइट नहीं होनी। हम लोग आज ये दो इम्पोर्टेंट रूनस हैं इस एरिए के ऐ फड़कावेंगे, प्लस साइट ऑफ ग्रेस दो तीन एक्टिवेट करेंगे, जो कि मेरी तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि कौन से एरिया में कहाँ पर हम बैठे हैं। ऐ चेक करो, ठीक है जी। और ये कैलम रूनस जो है ना, कैलम रूनस, इसमें जाके तो इनको जाके फड़काएं। हेलो 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 कैलम रून वाले, हेलो हेलो आया भाई। चलो मुझे लगा था इसको भी मार के कोई बॉस आएगा, लेकिन नहीं आया। यार कोई बॉस ही नहीं आ रहा, बड़ा सारा कोई बड़ा एनिमी, सारे एक एक दो दो हिटों से मर रहे हैं, ये तो कोई तरीका कार नहीं। आ उठे भाई, आ फट जा, 2488 डैमेज, वाओ। कोई दो तीन बिच होर भी है, पाट गए पाट गए जो साहब पाट गए जो साहब आप ही जो साहब आप ही पाट गए। यार हाथ हो गई है, हाथ हो गई है, उठे जाके बफ क्यों लाना है, गलती से बटन दबाया गया। लो जी भाई साहब ऐ फड़ो, 1324 1678 पहली हिट की, 1324 डैमेज। ओए वाह, रेड़ा आ गया, रेड़ा आ गया। आ गया ते छा गया रेड़ा। आपको पता है ना कि इसके पीछे जो ड्राइवर होता है, बेसिकली आपने उसको टारगेट करना होता है, बाकी ते फिर ऐ वाला बैठा है पीछे। यार अगर रेड़े को टारगेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐ मरिया ही होने, काफ़ी ज़्यादा वो टाइम लेगा मरने में। अगर आपने पीछे ड्राइवर को टारगेट कर लिया तो दसी टीम पास हो जाएगा। यार एक इधर छुपा हुआ है और एक उधर है, चलो कोई बात नहीं, इनको कट्ठे मारते हैं। ओए यार हाथ दो, पाटो शाबाश, बाकी एनिमी पाड़ो। एक तो एनिमी देख के मैं भी बौंदल जाता हूँ, मेरे उत्ते ही रेड़ा लंघाते ही खोती दिया बचिया। ऐ फट, ओए मरन लगा मरन लगा। आजा 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 आजा, सेम इसी टाइप की आप, आज आपका भाई आपको यहाँ पे लोकेशन बताएगा। शील्ड भी सेम इस रेड़े की शेप की, बड़ी रेयर आइटम है और बड़ी कमाल की उसकी एस्थेटिक लुक है। ठहर जा ठहर जा बेटे बेटे बेटे, ऐ फाड़ बेटे, पाटो। दो रेड़े फारे हो गए, आया आया आया। ओए यार हादी हो गई है, तीसरी दफा बटन दबाया मैंने, अपनी तरफ से मैंने हिट मारी है ऊंची कटाना की, क्योंकि लेफ्ट हैंड में मारे ऊंची कटाना, सील नहीं मैं चेंज कर रहा और मैं ऊंची कटाना कटी जा रहा। अच्छा भाई ठीक है, चलो 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 पाटो। ओए
रेड गई रेड़ा, रेड गई रेड़ा। एनु लगता रेड़े नु मारना पैना हिटा कर करके। निकलता हो अभी तो वैसे रेड़े साहब की भी एचपी फारे हो गई। लो जी तीन नदर रेड़े हो गए जी। वैसे इनको मार के कोई काबिले जिक्र किस्म का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छे खासे टफ हैं ये। अच्छा जी यहाँ पे अब हमने ढूंढना है एक अदद अंडरग्राउंड रूम एरिया कैलम रूम्स का। कितने वे आ जाओ आ जाओ। आ जाओ रेड़ा भी टूट लिए पहले जरा से एक दो कुत्ते भी लेना मार लिए। ओ बड़ी मजेदार लूट भी नजर आ रही है। क्या ही बात है यार क्या ही बात है। दो दो कुत्ते आपके भाई ने ऐसे तीपटैस किए हैं कि मजा आ गया कसम से। दो दो कट्ठे मारे ये तो हो गया। इसकी हिफाजत कर रहे थे ये लोग। ये क्या है हेफ्टी बीस्ट बोन एदा मैं की करा। मुझे लगा कुछ सोम्बल स्मिथिंग स्टोन टाइप कुछ होगा लेकिन नहीं यार वो कितने वे कैलम मिल गया कैलम रूम का अंडरग्राउंड एरिया। बत्तियां जला लो पखे ला लो गर्मी आ गई है। अच्छा जी यहाँ पे आके ना आपको एक अदद बॉस मिलेगा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा। आई थिंक सो पंपकिन हेड बॉस है बिल्कुल दो होंगे छोटे नन्ने मुन्ने से बहुत ही आसान है। तो वो अपन देने हैं फटका। ग्लिच चेक करे दरवाज़ा भी खुला हुआ था और वो ओपन की ऑप्शन भी दे रहा। अच्छा जी तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक अदद तो बड़ी मज़ेदार किस्म की शील्ड। आपको भाई उसको शोकेस करके दिखाता है ये वाली विसाग ऐ चेक करो एह जी शील्ड वेखी करी वेखी जे जड़ी प्रोटेक्ट भी करे तो अग भी छड़े। ओ भरावा ऐसिया ऐसिया शील्डा लभ के दया तुम याद करोगे ऐसी मज़ेदार। मैं वैसे आपको पता ही है मैं डबल स्वॉर्ड जो है वो ज़्यादा पसंद करता हूँ या डबल वेपन या डबल ब्लेड। मुझे शील्ड के साथ खेलने में इतना मज़ा आता नहीं है। सिंपल सी लॉजिक ये है कि जिस शील्ड से आपने अगले बंदे का वार या उसका अटैक रोकना है जिस हाथ से वो यार रह गया तुम चलो जिससे आपने अटैक रोकना है तो आप उसी हाथ से अटैक अगले पे करें क्यों ना। जब करेंगे तो उसको डबल डैमेज जाएगा। अब जैसे हम रोल करके जब दोनों तलवारें घुमाते हैं ना तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ डबल डैमेज होता है। लो जी इतने उत्ते आके एक बार चेक कर लो कि आप जाना कितने वे। अच्छा साइटो ग्रेस पे तो हम आए नहीं रेस्ट किया नहीं। आयो भाई इतने कैलम रूनस वाली साइट ऑफ ग्रेस हमने एक्टिवेट कर ली हुई है। ये हमारा दूसरा चक्कर यहाँ पे लग रहा है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे बैठ कर रेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारी सारी एचपी एफपी सब कुछ पूरा हो जाए और उसके बाद फिर हम जाएं आगे दूसरे रूम पे। चैन तेरे नैन तेरे उठ गए वाओ ये वाइट वाला मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। इसको मारें चलो फिर इसको फटका के देखते हैं। आया भाई आया 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 कोई बाफ नहीं लाना उनकी मारना ऐह ऐह वाओ एचपी इसकी थोड़ी ज़्यादा ही है उससे। ओ जियो खुश किया जो है कोई तो तुम्हें हलाल किया कैलेट का एरिया दो किटा मार के हाँ बस बह गया सी मैं। ओए ओए ऐप पढ़ देगा चल निकलता हो तो चावल। यार वाइट वाला मुझे लगा था बड़ा टफ होगा। उस तो पहले अपा एक छोटा जा काम करना मैंने तेरे चैन मेरे पता नहीं आयो भी ऐ जड़े कोठी के बच्चे बैठे ने ना इन्हों मारना तो प्लस ए जाते जाते ना कैटाकॉम्ब्स जड़े ने ना छोटे जे ए मकबरे
ए वाले इधर से होके जाना है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे पड़े हुए कुछ गोल्डन रूम जिनको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। 2678 चलो चलो चलो, जब भी पाके आए जब भी पाके, चलो चलो चलो। ओए ओए कट्ठे हो गए कट्ठे हो गए, स्वाट चलाइए। ओ पाली जफी चौधरी, ओ फाइनली जफी पाली होए, ओ खोती दे बच्चे ने जफी पाली होए। ए ऐ फड़ बेटे 2028 हुन नहीं पैनी, हुन नहीं पैनी, हुन एनिमेशन चल रही कट्ठे ही मारा मैं तुम्हें, टेंशन ना लो। चलो 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 आ गए आए 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 आए। अल्लाहु अकबर, ओए इतों कितने थले ना डिग पड़ना, डोगी की मौत मरोगे। लो जी यह एरिया भी अपना थोड़ा जा एक्सप्लोर कर लिया, यह रोड के इर्द गिर्द ही रहना हमने, ठीक है। यह रोड के इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रेड रेड एरिया में, ठीक है। अब ये कैटाकॉम्ब से हमने पकड़ ली, कैटाकॉम्ब से मकबरे कह लें, अपर कॉम्स कह लें, यहाँ से हमने पकड़ ली हैं, ठीक है, वो गोल्डन रूम्स टाइप कुछ। तो इस वीडियो को फिलहाल आपका भाई करता है यहीं पे ख़त्म। आज हमने कैलम रूम्स जो हैं वो कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो दो रूम्स हैं वो अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग हो जाएंगे बोर। तो मी अज़र रहमान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।